अस्सलाम वालेकुम। हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक रेसिपी। आप सब लोग कैसा है? आज हम बना रहे गाजर का मिठाई। अभी गाजर का सीजन है, गाजर में बहुत सारा डिशेस बना सकते हैं। अभी हम बना रहे गाजर का मिठाई। इसके लिए हमने इधर लिया 1/2 किलो गाजर लिया। गाजर का स्किन निकाल के पील करके हमें ये शेप में कट करके रखा है। अभी इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसे बनाने का तरीका आगे आगे हम आपको बताएंगे। अभी हमने पैन में ये थोड़ा बॉयल करके निकालेगा। 1 ग्लास पानी हमने इसमें ऐड किया, कैरेट डुबने का जैसे थोड़ा बॉयल करके इसको निकालेगा। अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियो पहले बार देख रहे, प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज। अभी ये अच्छा से बॉयल हो रहा है। अभी इसको हमने लो फ्लेम करेगा। इतना टाइम मीडियम फ्लेम है था, अभी इसको लो फ्लेम करेगा। अभी ये पूरा बॉयल हो गया। अभी वही पानी में थोड़ा ठंडा करने के लिए रखेगा, बाद में इसका पानी छान के निकालेगा, बाद में इसको अच्छा से पीस के निकालेगा। यह अभी हम पानी में से निकाला। गाजर पकाने के टाइम एकदम गलने का नहीं। गाजर अभी हम ठंडा करने के लिए रखेगा। ये पानी गाजर जो बॉयल किया वही पानी है, वो फेंकते नहीं, इसमें काम में आएगा। आपको हम बताएगा क्या करने का। अभी ये ठंडा हो गया, अभी इसको हमने मिक्सी में अच्छा से पीस कर निकालेगा। अभी हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया, अच्छा से तैयार हो गया, एकदम स्मूथ हो गया। ऐसे चाहिए इसके लिए। अभी जो गाजर उबाल दिया वो पानी में हमने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करेगा। इसमें हमने 2 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको अच्छा से मिक्स करेगा। अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। हम ये गाजर का मिठाई हम सॉफ्ट बना रहे, आपको अगर कड़क जैसा चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर ज़्यादा ऐड करने का। अभी कॉर्नफ्लावर को ये पानी में अच्छा से मिक्स करके मिलाएगा। जो गाजर बॉयल किया वही पैन हम इसमें अभी यूज़ करेगा। आप में से कोई भी मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। गाजर के प्यूरी ये पैन में डालेगा। अभी गाजर का प्यूरी हमने इसमें डाल दिया। अभी इसमें हम ऐड करेगा शुगर ऐड करेगा। गाजर मीठा है तो हिसाब से शुगर भी ऐड करने का। हमने शुगर लिया 3/4। आपको जो शुगर के हिसाब है आपके हिसाब से शुगर ऐड करने का। अभी हमने जो कॉर्नफ्लावर का पानी बना कर रखा वो इसमें ऐड करेगा। कॉर्नफ्लावर का पानी हमने ऐड किया, इसको पहले हम अच्छा से मिक्स करेगा। इसके लिए इसमें कॉर्नफ्लावर है, अगर बराबर से मिक्स नहीं करेगा तो इसमें इसका गुठली जमा हो जाएगा। इसको अच्छा से मिक्स करने का। अभी ये अच्छा से मिक्स हो गया। अभी हमने गैस चालू करेगा, पहले मीडियम फ्लेम में रखेगा फिर लो फ्लेम। इसको आप लगातार चलाने का, इसको छोड़ने का नहीं। इसको आपको छान के भी यूज कर सकते हैं, हमने छाना नहीं, क्यों हम इसमें ड्राई फ्रूट का मिठाई यूज करने वाला। इसको ऐसे जलाते रहने का। अभी इसमें हम थोड़ा वनीला एसेंस ऐड कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो इलायची का पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। अभी इसमें हम ड्राई फ्रूट का मिठाई ऐड करेगा। हम मिठाई ऐड किया, अभी इसमें मिठाई डाला और अच्छा से मिक्स किया, मिक्स कर रहे अभी। हमने ड्राई फ्रूट का मिठाई डाला, इसके लिए कलर इसका चेंज हो गया। अगर कुछ भी नहीं डालेगा तो इसका कलर लाल
लाल कलर में रहेगा। अभी ये यही थिकनेस में ये चाहिए, ऐसे थिकनेस में चाहिए। अभी ये हो गया ऑलरेडी। हमने एक स्टील का बर्तन लिया, इसमें थोड़ा घी अप्लाई किया। अभी जो बनाया कैरेट का वो इसमें हम डाल के सेट करेगा। अभी जो बनाया कैरेट का मिठाई इसमें हम डाल दिया। अभी इसको हम एकदम ठंडा होने के लिए तकरीबन 2 घंटे तक ऐसे रखेगा। माशाल्लाह अब ये ठंडा होके अच्छा से सेट हो गया। अभी इसको हम दूसरा प्लेट में निकालेगा। अभी इसको हमने ऐसे स्क्वायर में कट कर रहे हैं, ऐसे इसको स्क्वायर में कट करके हमने इसको स्क्वायर में कट किया। इसके बाद कोकोनट पाउडर में लगा के निकालते हैं। अगर आपके पास शुगर है, शुगर का पाउडर है, उसमें भी आप ऐसे लगा के निकाल सकते हैं। आप में से कोई भी मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा ये। अभी हमारा गाजर का मिठाई बिल्कुल तैयार हो गया। माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी भी है, सॉफ्ट है। आप भी बना के देखने का, कमेंट बॉक्स में बताने का हमको आपको कैसा लगा। अगर आप में से कोई भी मेरा वीडियो पहले बार देख रहे हैं, प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, नया डिश के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।